वेलकम टू माय चैनल नीतिका स्टडी पॉइंट और मैं हूं नीति। आज हम बात करेंगे लड़कियों में प्यूबर्टी के दौरान होने वाले चेंजेस के बारे में। प्यूबर्टी के दौरान लड़कियों के बॉडी में फिजिकली और मेंटली बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसको आज हम एक एक कर अभी देखेंगे। प्यूबर्टी की अगर बात करें, एज, किस एज में प्यूबर्टी लड़कियों में देखा जाता है, तो वो देखा जाता है 8 से 13 साल के बीच में। आखिरकार प्यूबर्टी इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है? इंसान के लाइफ में अलग अलग फेज होते हैं, बचपन से बुढ़ापे तक। प्यूबर्टी इस दौरान होने वाला एक ऐसा फेज है जिसमें लड़कियों के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते जाते हैं और लड़कियों का शरीर इस प्रकार से बन जाता है कि लड़की अगर अब प्यूबर्टी के बाद चाहे तो बेबी कंसीव कर सकती है या किसी बच्चे को जन्म दे सकती है। तो हम कह सकते हैं प्यूबर्टी की वजह से ही कोई भी लड़की जो है वो बच्चे को पैदा कर सकती है, क्योंकि प्यूबर्टी के दौरान उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं जाते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट का बढ़ना हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्रो होना हो। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है। कौन कौन से चेंजेस बॉडी में दिखाई पड़ते हैं? सबसे पहला होगा फिजिकल ग्रोथ। प्यूबर्टी जब आती है तो लड़कियों की बॉडी में अचानक से ग्रोथ दिखाई पड़ता है, चाहे वो हाइट का बढ़ना हो, वजन का बढ़ना हो या फिर ब्रेस्ट का बढ़ना हो। इस दौरान लड़कियों का जो बॉडी शेप है वो भी अच्छे से डेवलप होते जाता है और ये लगातार प्यूबर्टी के बीच होता जाता है ताकि लड़कियों का जो शारीरिक विकास है वो अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो वो होगा ब्रेस्ट के साइज में बदलाव। प्यूबर्टी के पहले अगर आप ब्रेस्ट को देखते हैं किसी भी लड़कियों का, तो उसमें कोई खासा स्ट्रक्चर आप नहीं देख पाएंगे, बट जैसे ही प्यूबर्टी स्टार्ट होती है लड़कियों के ब्रेस्ट में अचानक से बदलाव होने चालू हो जाते हैं। ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, ब्रेस्ट एक शेप में आने लगता है और साथ ही साथ उसके नीपल में भी बदलाव होने चालू हो जाते हैं। नीपल डार्क होना चालू हो जाता है, कभी कभी नीपल में हेयर भी दिखाई पड़ सकते हैं, तो इसमें डरने की बात नहीं है। निपल में हेयर भी आपको प्यूबर्टी के दौरान आने चालू हो सकते हैं। ब्रेस्ट का बढ़ना भी बहुत ही जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई लड़की बच्चे जन्म देगी तो ब्रेस्ट फीडिंग जरूरी चीज़ होती है, तो इसीलिए प्यूबर्टी के दौरान ब्रेस्ट में भी विकास होना चालू हो जाता है। यहाँ पे अलग अलग लड़कियों में ब्रेस्ट का साइज अलग अलग हो सकता है, ये बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है कि लड़की का ब्रेस्ट का साइज क्या होगा। अगर बहुत ही पतली लड़की है तो उसके ब्रेस्ट में कोई खासा बदलाव नहीं होगा, क्योंकि लड़की का वजन ही कम है, तो ब्रेस्ट में यहाँ पे बदलाव दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो बॉडी हेयर, बॉडी में बाल का आना। प्यूबर्टी जैसे ही स्टार्ट होती है लड़कियों के बॉडी में बाल आने चालू हो जाते हैं, चाहे वो उसके हाथों पैरों में हो या आर्म पीट हो या फिर उनके जेनिटल एरिया में हो। ये जो बाल होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, थिकर होते हैं और बाद में ये कर्लियर भी हो जाते हैं। बाल जो है वो प्यूबर्टी की एक निशानी है। अगर अंडर आर्म्स और आपके प्यूबिक एरिया में बाल दिखाई पड़ते हैं तब। नेक्स्ट है पीरियड का आना। सबसे पहले ये समझना होगा कि पीरियड होता क्यों है। अगर आप देखेंगे तो लड़कों का जो स्पर्म है और लड़कियों का जो एग है वो अगर मिल जाते हैं तो फर्टिलाइज हो जाते हैं, और फर्टिलाइज होने के बाद 9 महीने तक लड़कियों का जो यूट्रस है उसके अंदर ग्रो करते हैं और 9 महीने बाद बच्चे के रूप में पृथ्वी में आ जाते हैं। इस दौरान जो हमारा यूट्रस है वो एक लाइनिंग बनाती है, थोड़ी सी थिकनेस उसमें बढ़ जाती है ताकि जो हमारा फर्टिलाइज एग और स्पर्म से बने जो जाइगोट है वो उसमें अच्छे से ग्रो कर पाए। बट फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो पाती है, स्पर्म और एग जो है वो आपस में नहीं मिल पाते हैं, तब ये जो हमारा यूट्रस था जो कि एक लाइनिंग के रूप में बना हुआ था वो यहाँ पे शरीर से बाहर निकलने लगता है और ये ब्लड के रूप में दिखाई पड़ता है और यही हमारा पीरियड है। हर महीने हमारा जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग जो है वो अपने आप को बढ़ाते जाती है, थिकनेस बढ़ाते जाती है ताकि जो एग है वो यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाए और यहाँ पे आके सुरक्षित तरीके से ग्रो करता जाए। बट
यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाई और हमारा जो यूट्रस की लाइनिंग थी वो पीरियड के रूप में शरीर से बाहर निकल आई। अगर आप देखेंगे तो पीरियड किसी भी लड़की में 5 से 7 दिन तक चलती है और ये हर महीने आती है। यहाँ पे जो हमारा पीरियड है वो प्यूबर्टी के स्टार्टिंग में इरेगुलर हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर मंथ आए, बट जैसे जैसे आप एज आपका बढ़ता जाएगा तब नॉर्मल पीरियड होना, मतलब कि हर मंथ पीरियड का आना जरूरी है, क्योंकि अगर हर मंथ पीरियड नहीं आएगा तो ये दिक्कत की बात हो सकती है। नेक्स्ट है वजाइनल फ्लूइड या फिर वजाइना से निकलने वाला तरल पदार्थ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी सर्विक्स जो है या फिर जो वजाइना का एक हिस्सा है वहाँ से एक तरल पदार्थ निकलता है जो कि क्लियर और क्रीमी कलर में होता है। ये फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज होते रहता है और आप अपने अंडरवेयर में भी इसको नोटिस कर सकते हैं। ये फ्लूइड जो है वो हमारे वजाइनल एरिया के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ये उस एरिया को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, बट अगर फ्लूइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा निकल रही है तो भी दिक्कत की बात हो सकती है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो स्किन में कौन कौन से चेंजेस होते जाते हैं। प्यूबर्टी के दौरान बहुत सारे हार्मोन जो हैं वो सिक्रीट होना बॉडी में चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ग्रोथ दिखाई देना चालू हो जाता है और इस हार्मोन के निकलते ही हमारे जो ऑयल ग्लैंड है उनमें भी प्रभाव पड़ना चालू हो जाता है। हमारी स्किन में जो है वो ऑयल जो है वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार हमारे फेस में पिंपल या एक्ने दिखाई देने चालू हो जाते हैं। आप नोटिस भी करते होंगे कि जो बच्चे जवान होते रहते हैं, प्यूबर्टी की एज में पहुंच चुके हैं, उनकी गालों पर एक्ने और पिंपल जो है वो दिखाई पड़ते ही हैं और ये दिखाई देना कोई बुरी बात नहीं है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्यूबर्टी के दौरान पिंपल और एक्ने आएंगे ही, जैसे जैसे एज बढ़ते जाएगा ये जो पिंपल और एक्ने हैं वो खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है विपरीत या अपोजिट जेंडर की ओर अट्रैक्ट होना। प्यूबर्टी में जैसे ही लड़के लड़कियां पहुंचती हैं तो वो विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होना चालू हो जाती हैं और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये प्रकृति का ही बनाया हुआ है। प्यूबर्टी जैसे ही आती है विपरीत सेक्स की ओर, विपरीत जेंडर की ओर अट्रैक्शन बढ़ता ही जाता है, क्योंकि अगर ये प्रोसेस ना हो तो आगे मेल और फीमेल से जो बच्चा है या जो बेबी है वो नहीं बन पाएगा, तो ये आम बात है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से चेंजेस जो हैं वो प्यूबर्टी के दौरान लड़कियों में होते हैं। दोस्तों आज का वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।